फिल्म तो भाई बहुत अच्छी है और ये इसकी कहानी जो है अलग फिल्मों से ली गई है, कहानी अलग ही है, तो बाकी में तो सभी सीन में तो थोड़ा दूसरे टाइप के रहता है, लेकिन ये फिल्म तो बहुत ही मतलब अलग। ऐसे फिल्म का नाम है, क्या कहना चाहेंगे नाम को लेकर? फिल्म का नाम तो बहुत अच्छा है और इसको हम लोगों ने बहुत सोच समझ के रखा है, और ये जो है एक महामारी रोग आजकल चला हुआ है साल दो साल से, उसी पे आधारित है। इससे समाज को संदेश भी मिलने वाला है? हाँ बिल्कुल मिलेगा समाज को, कि गांव में लोग जाएं देखें, समझे लोग कैसे अपने को बचाव कर सकते हैं और इसका उपाय क्या क्या है, ये सब इस कहानी में बताई गई है। नहीं नहीं ये संजोग है, क्योंकि इस रोल में हमारे ये लाना चाहते तो हम दिनेश लाल को भी ला सकते थे, लेकिन हाँ प्रवेश का जो रोल है वो एक अच्छा रोल है और उन पर सूट करेगा, फिट बैठता है। हीरोइन हम हमारी नीतिका जायसवाल हैं, ये हमारी डायरेक्टर हैं की मिसेज हैं, गीता श्रीवास्तव, मैं अमिता श्रीवास्तव प्रोड्यूसर की मिसेज हूँ। हाँ मैम क्या कहना चाहेंगे जो फिल्म की जो शूटिंग चल रही है, पहली बार एक कला गांव जो प्रॉपर लखनऊ में गांव बसाया हुआ है उस गांव के अंदर शूटिंग कर रहे थे, ये प्लानिंग कैसे थी, किस गांव में शूटिंग करनी है? ये हम लोगों ने बहुत सोच समझ के स्टोरी जो है लिखी गई, उसी के आधार पे ही लिखी गई कि ऐसी जगह इसकी शूटिंग की जाए जहाँ हमको सब कुछ मिल जाए। चाहते तो हम लोग बनारस के गाँव में भी कर सकते थे भोजपुरी, लेकिन यहाँ क्योंकि यूपी में भी हम दिखाना चाहते हैं कि भोजपुरी फिल्म यूपी में भी शूटिंग लखनऊ में भी की जा सकती है, जगह उपलब्ध है, बस सोच की बात है। डायरेक्टर साहब संजय, डॉक्टर संजय जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनती हैं और बहुत मेहनती हैं और उनमें जुनून एक है कि मुझे एक काम करना है तो अच्छे से करना है। पहली फिल्म भी बनाई थी, वो भी बहुत अच्छे से बनाई थी, उसमें भी भोजपुरी को लेकर हम लोगों ने बनाया था कि अपने उत्तर प्रदेश में भोजपुरी को भी कैसे लॉन्च करना है। इंग्लिश हिंदी तो सभी बोलते हैं, सभी पढ़ाई लिखाई है, लेकिन भोजपुरी की प्रधानता निरहुआ ने की बहुत अच्छे ढंग से। क्या कहना